वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। मेरा तीसरा सवाल, कल अमेठी में राहुल गांधी दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि सच्चे हिंदू हम हैं, तो जो बीजेपी राम की अयोध्या, अयोध्या राम की रटते रटते सत्ता तक आई, उसको वो झूठा हिंदू बताने पे तुले हुए हैं। क्या आप लोग ऐसा है, वास्तविकता है कि आप लोग झूठे हिंदू हैं? अब राहुल गांधी जी प्रमाण देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि और हिंदुओं को कि आप हिंदू हो कि नहीं हो, तो दुर्भाग्य ही होगा देश का। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी की विदाई कर दी थी, अब वो दोबारा अमेठी में जाकर के जो भी कुछ कह रहे हैं उसको कोई नोटिस में लेने को तैयार नहीं है। वो अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया हिंदुत्व के लिए या हिंदू समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या अन्य धर्मों के सम्मान के लिए जो काम किया, उसमें कांग्रेस को भी याद आ गया कि हम कौन हैं, और वो कहने लगे कि हम इस तरह के नहीं, हम उस तरह के, और उनको अब हिंदुत्व की और हिंदू की परिभाषा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इस बात का आकलन करें कि वो हैं कौन, खुद पहले बताएं कि वो हैं कौन। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद गणेश सिंह जी, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि आखिर वो हैं कौन, हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी है। वहीं इन्होंने पंचायत के जो चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आखिर बता दिया कि कांग्रेस अपने ही पैर में लगातार कुल्हाड़ी मार रही है। कैमरामैन विक्रम साहू के साथ शुभम यादव, सतना। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK News, राष्ट्र के नाम।